अजय देवगन कैसे बनने जा रहे हैं 3,000 करोड़ी स्टार, और अजय देवगन को टॉलीवुड इतना क्यों भा रहा है, अजय देवगन का वर्चस्व बॉलीवुड में हमेशा क्यों बना रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बीते 8 अगस्त को साउथ सुपरस्टार अजीत की फिल्म नेरकोंडा पारवई रिलीज हुई थी। फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। इस फिल्म को बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था। दरअसल ये फिल्म तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म पिंक का साउथ रीमेक थी। साउथ में इसका निर्देशन एच विनोद ने किया था। इस फिल्म की सफलता के बाद अब एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की तिगड़ी ने एक बार फिर साथ काम करने के लिए हाथ मिलाया है। इन दिनों अजीत की 60वीं फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है। इसे थाला 60 और अजीत 60 नाम से जाना जा रहा है। इस फिल्म को लेकर चर्चा है कि इसमें नेगेटिव रोल के लिए मेकर्स ने एक्टर अजय देवगन को अप्रोच किया है। बताया जा रहा है कि विनोद और बोनी कपूर अजय देवगन को इस फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अजय देवगन SS राजामौली की फिल्म RRR में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। इसके अलावा अजय की कमल हासन की फिल्म Indian 2 में होने की भी उम्मीद है। प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने सिंगापुर में नेरकोंडा पारवई फिल्म के प्रमोशन के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि उनकी ये नई फिल्म सितंबर में फ्लोर पर आ जाएगी। अजय देवगन के वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो इन दिनों वो फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को लेकर बिजी हैं। फिल्म की कहानी 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की दास्तां पर आधारित है। इसमें अजय देवगन सेना के जवान विजय कर्णिक का किरदार निभाते नजर आएंगे। इसके अलावा वो सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक में भी काम कर रहे हैं। फिल्म का नाम है मैदान और फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी हो चुका है, जो लोगों को बेहद पसंद भी आ रहा है। तो दोस्तों, आप अजय देवगन की किस फिल्म को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।